तो इस तरह सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने हुण इह पौड़ी की प्राप्ति दे लई पौड़ी दे विच एक बहरंग साधन हुंदे ने एक अंतरंग साधन हुंदे ने बाहरले साधन ते अंदरले साधन इन्हां दी प्राप्ति अते 68 तीर्थां दे इशनान दा फल ग्रंथां दा पढ़ना पढ़ाउणा संसार विच मान इज्जत होणी इत्यादिक सारे गुण परमात्मा दे नाम नूं सुणन नाल ही बंदे च आ जांदे ने। ये सतगुरु महाराज नूं समझाउंदिआं कहिंदे ने नाम नूं सुणने करके सुणिआ सत संतोख ज्ञान बंदा जे कुछ ना करे निजम नाल रोज 2 घंटे कीर्तन सुनी जावे निजम नाल 2 घंटे जां फिर वाहिगुरु मंत्र दा कन्नां विच अभ्यास सुने अपने मूल मंत्र करे सुखमनी साहिब चाहे 2 घंटे पाठ करे चाहे जिथे भी चित जा जुड़दा क्योंकि सारे बंदियां दी बिरती इको जी नहीं हुंदी किसे दा मन किसे थां जुड़दा किसे दा किवें जुड़दा जिथे भी बाणी श्रवण करन विच मन जुड़दा होवे सतगुरु कहिंदे उत्थे ही नाम दे सुन करके परमेश्वर दी प्राप्ति दे ये जिहड़े बाहरले साधन ने सत संतोख धीरज धर्म दैवी गुण अते अंतरंग साधन जो ब्रह्म ज्ञान है उहदी प्राप्ति हुंदी। सो इस करके महाराज कहिंदे सतवादी संतोखियां ते ज्ञानियां पासों में नाम दी महिमा सुनी दी है वह भी नाम दी महिमा सुणाउंदे ने नाम दे सुनने करके इंसान दे अंदर सत आ जांदा संतोख सती बन जांदा सती दे संतोखी खाए ता सतगुरु महाराज कहिंदे संतोख आ जांदा नाम बंदे नूं रज नहीं आउंदा सारी जिंदगी भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार किसे नूं रज आया हुण तक। पर महाराज कहिंदे देखो नाम ऐसा कि नाम जपण करके बंदे दे अंदर रज आ जांदा इन्ना ज्यादे रज ओनू सिर्फ माड़ा जिहा रहण बसेरा जिहा चाहीदा सादे जे कपड़े 2 फुलके बस हुण वो इच्छा ही नहीं करता जिन्नी आपां इच्छा करदे आ नाम जपण वाला कहना ना क्योंकि तृष्णा की अग ही मिट गई अंदरों की करना कुछ भी नहीं चाहीदा ऐसी बिरती बन जाती नाम जपण दे नाल संसारी बंदे की बिरती तो सुत्यां जागदियां बैठदियां उठदियां पैसे च ही हुंदी है नाम जपण वाले की बिरती नाम दे विच हुंदी है नाम जपण वाले नूं तां 24 घंटे ही कृपा रहिंदी है सुत्या उन्हों कृपा हो जाती है जागद्या उन्हों कृपा हो जाती है सुता पिया ता भी आनंद माणी जाता उहदी तां नींद भी चंगी है। सुन सखीए मेरी नींद भली मैं आपणा फिर मिलिया सुपने आया पी गया सुपने विच भी दर्शन हो जाते ने उन्हों उहदी कला फिर शुरू हो जाती जागद्या सुत्या बैठद्या उठद्या काम करद्या उहदे उत्ते कृपा ज्ञान नाम दे श्रवण करके हिरदे दे अंदर जिहड़ा ज्ञान दे नन्ने नूं औंकड़ की कहिंदा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जांदा सुणिआ 68 का इसनान नाम दे सुनने करके तीर्थां च मुखी जो 68 तीर्थ ने उहनां दे इशनान दा फल घर बैठे मिल जांदा कोई महात्मा नूं कोई प्रेमी कहण लग्गिआ बाबा जी 68 तीर्थ दे जे जाणा होवे ऐवें फुरना जिहा बणिआ वी नहाउणा चाहीदा कि नहीं संत हसण लग गए कहिंदे कोई नहीं उत्थे खूह नाल गेड़ के हल्टी जी भरदे सीगे नहाउण वाला चवच्चा जिहा महापुरश उहदे च लेट गए चवच्चा भर के लेट के खड़े हो गए कहिंदे लै हुण नहा लै 68 तीर्थ हाजर ने हुण ब्रह्म ज्ञानी ऐसा कर सकदा सधारण व्यक्ति नहीं। इस करके जिवें पूर्व राजा होया वह अमृत वेले रोज उठ के इशनान करके समाधि ला के जुड़ जाए परमेश्वर दे नाम दे विच। एक दिन सतसंगियां ने कहा कि राजा जी तीर्थां ते इशनान करन दा बड़ा महात्मा तीर्थां ते जाना चाहीदा यह सुन के वह तैयार हो गया। जब तैयार होया रात नूं आकाशवाणी हुई परमेश्वर की कहने पूर्व तेनों किने कहता 68 तीर्थां नहाउण नूं कहने महाराज आ साडे नाल दे सारे संगी कहने जाना चाहीदा कहने चल कपड़े उतार उतारिया 68 धारा वग पईआं उत्थे आकाश विचों कहिंदा इत्थे लियांदे तीर्थ इह कोई वड्डी गल तीर्थ नहावण जाओ तीर्थ नाम है जिवें भाई सो जैत सी ना सेठ तो पटना साहब विखे उह संगत की सेवा करे कदे जलेबियां खवावे कदे कोई हलवाई का कम करे मैले जे कपड़े कदे नहाउंदा ही नहीं सी देखिआ किसी ने उहनूं
संगत गुरु तेग बहादुर साहब नूं कहिंदी इह नहाउंदा ही नहीं कदे, कहिंदे कोई नहीं महाराज तां पता सी ब्रह्म ज्ञानी है। कहिंदे रात नूं लुक के देखो अज नहाउंदा कि नहीं नहाउंदा। जद रात बैठे रहे 12 बजे तों बाद इक काले रंग की गां आई, भाई साहब ने बस्त्र उतारे, गां ने मूंह खोलिया विचों जिवें बंबी चलदी हुंदी आ, इउं पानी दी धारा चली, इशनान कीता। वह जिथे उन्हां दा पानी डुल्लिया सी उहदे चों गऊ लिटण लग पी, काले रंग की गऊ चिट्टी हो गई ते वापस मुड़ गई। जाके गुरसिखा ने गऊ नूं पुछिया, तू कौन, असल दस तेरा रूप की है। कहिंदी मैं गंगा हाँ, लोग नहा नहा के मेरे च पाप भर जाते, मैं काली हो जानी। ये ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख है गुरु साहब का, जिथे नहाउण दा पानी भी डुलदा ना वह भी पवित्र है। मैं जदों उत्थे नहा लैनी मेरे पाप मिट जाते ने। गंगा जमुना सरस्वती ते करह उद्दम धूर, साधु की ताई किल विख मैल भरे, परे हमरे विच हमरी मैल साधु की धूर गवाई। इस करके महाराज कहने ये 68 तीर्थां का जनून पहला ही सी, चंगी गल सी उदों उन्हां जमानियां च। असल विच जदों पाप थोड़े होंगे, हुण माड़ी जी कपड़ा माड़ा जा कोई हो गया दाग जा, पानी सुधारण नाल धो के लै जांदा है, ज्यादे लग गया फिर साबण नाल सर्फ नाल, बहुत ही ज्यादा फिर आप कैमिकल वरतदे उहदे लई। हुण जिन्ना दाग ज्यादे वधदा जांदा उन्ना सानू ज्यादे उहदे ते मेहनत करनी पैंदी। सो इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने सतयुग दे विच कोई कदे ही बंदा कदे माड़ा जिहा जे झूठ बोल भी जांदा सी ना, कई साल पछताउंदा रहिंदा, मैं झूठ बोलिया, बड़ा माड़ा कीता मैं। उन्हें कई बार रब का नाम लेना, कई बार इन्हें सेवा करनी, दुनिया च इन्ना सारे कहने बंदे ने झूठ बोलिया भाई, एक बारी झूठ बोलने वाली बदनाम हो जाता, उदो फिर थोड़े नाल ही मैल उतर जाती। अगले युग च होर, उस तो होर, हुण कल युग च सवेर तो शाम तक इंसान के अंदर झूठ ही चली जाता। इस करके महाराज कहने हुण तो नाम नहीं धोना अपन, इहदे तो बिना होर कोई चीज नहीं। जिवें भाई गुरदास जी कहने कि बित सवैया दे विच जैसे 68 तीर्थ परस कियो, युग चार चढ़ियो कैलाश रहो, जैसे लाख बार कुरुक्षेत्र में असमेध जग अपंग ठयो, जैसे कोट बरस तप उर्दमुखी बैसंतर में तन दाह दयो, होने अमृत नाम विशेष इति जिन एक बार श्री वाहे गुरु कहो। कहने एक बार वाहेगुरु कहण दा इन्ना महात्मा है, मूह नाल नहीं जिन्ना दस्या सी। मन चित ला के ए मन हर जी ध्याए, तू एक मन एक चित भाए होके कहे, अंदरों भी जुबान नाल भी कन्ना नाल भी सुनना, अखां नाल भी दर्शन करदिया होया, बुद्धि विच भी प्यार रख के, शरीर सारा ऐन त्यार करके, फिर कहना सतनाम श्री वाहेगुरु। सारा अंग अंग कहे, रोम रोम कहे, मन कहे, मुख कहे, कन सुन, अखां देखण, तां एक बार कहा वाहेगुरु इन्ना वड्डा जी ना दस्या। इस करके कहने सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान, नाम नूं कन्ना नाल सुनने करके ना पढ़ पढ़ के बंदा जेड़ा ना मान आदर प्राप्त कर लेंदा। नाम नूं पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ा के मान आदर पाउंदा, जिस तरह के वाल्मीकि जी ने नाम नूं पढ़ पढ़ के आदर पाया, इसे तरह इंसान नाम नूं बार बार पढ़दा ते आदर प्राप्त करदा। अथवा विद्या की प्राप्ति भी इंसान नूं नाम द्वारा ही हो सकती है। इस चीज नूं आम नहीं समझते अपने कि ए जी हुण पाठ करन नाल विद्या किवें आ सकती, ये सारी चीज तां परमात्मा दे अधीन ही है, नाम दे अधीन ही है। विद्या नाम नहीं बनाई सी जदों, आपां तां जम्मे भी नहीं सी, विद्या बन गई सी जदों, उदों किहने बनाई सी विद्या, नाम नहीं। इस करके महाराज कहिंदे ने वाहिगुरु की कृपा नाल जिहड़ी अविद्या है ना, ये नाम नूं श्रवण करके ही जांदी मन च अविद्या, एक हुंदी विद्या। तां महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने सुणिआ लागै सहज ध्यान, नाम नूं कन्ना नाल सुनी जाओ सुनी जाओ, सुखैन निरजतनी आत्मक पद विच ध्यान लग जांदा। वाहे गुरु वाहे गुरु कहिंदे होए मस्तक दे उत्ते लिख लो वाहे गुरु, कन्ना विच सुनी जाओ वाहे गुरु,
हिरदे विच कही जाओ वाहेगुरु। एट ए टाइम सारिया चीजा कठिया ही वाहेगुरु कह, ना कि मूह कला ही कही गया, तो मन किते, बुद्धि किते, शरीर किते, सारिया चीजा ने खिलरिया पईया ने। इस करके सतगुरु कहंदे ने, क्योंकि नाए सुनिया सब सिद्ध है, रिद पिछे आवै, नाए सुनिया नौ निध मिले मन चिंदिया पावै, नाए सुनिया संतोख होए कबला चरण ते आवै, नाए सुनिया सहज उपजै सहजे सुख पावै। नाम नू सिर्फ सुनन नाल ही शांति आ जांदी, क्योंकि नाम दे विच बड़ी वड्डी ताकत। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। भगतां नू तां सदा ही विगास है, खेड़ा है, आनंद बनिया रहिंदा, क्योंकि नाम दे सुनने करके दुख ते पाप ही बंदे नू परेशान करदे ने। नाम नाले दुख ते पाप जिहड़े ने घटदे ही तुरे जांदे ने, ओह घटदे देखे भी ने, इह नहीं है वे घटे नहीं हुंदे। प्रैक्टिकल करवाई दा ते करी दा भी दोनों गल्लां करनियां, फिर तां मैं कॉन्फिडेंस नाल आपां कह ही ना सकीए। पर तां आपां नू पता नहीं हटदा कि नहीं हटदा, जे ऐ कहण लग जाइए फिर तां किसे दा ना हटे। इस करके महाराज कहिंदे नाम नू श्रवण करके देखो, नाम नू सुणन दे नाल कृपा हो जांदी इंसान ते। फिर सिद्ध कहण लगे कि महाराज नाम सुणन दा महात्म जो आप जी ने कथन पहला कीता है, इतना ही है कि कुछ होर भी है। तो महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे नाम नू सुणने करके होर भी बहुत कुछ मिलदा। सुनिया सरा गुणा के गाह, कहने नाम दे सुन करके गुणा दा जिहड़ा सरोवर जो वेद ने अथवा जो ग्रंथ ने सारे उन्हां नू भी अवगाहन कर लईदा। जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाह, गुणा दा सर जो हरी है उन्हू भी प्राप्त कर लईदा। विषयां दे सर जो इंद्रियां ने उन्हां दा भी गाह दा मतलब दमन कर लईदा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहने नाम नू सुनने करके अंदर इन्नी शक्ति जमा हो जाती बंदे दे कि प्रतख धनख बाण चलाउण दी विद्या नू भी ग्रहण कर लैंदा। सर दा अर्थ क्योंकि बाण है इत्थे असल च, गुण दा अर्थ है चिल्ला जिहदे च तीर फसाईदा, तो चिल्ले तो मुराद धनख दी आई है। धनख बाण दे चलाउण दी विद्या बहुत कठिन है, पर नाम दी सहायता होण करके सौखी प्राप्त हो जाती है। इस करके नाम जपण नाल सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने कि इह सारियां चीजां दी प्राप्ति सुते सिद्धी हो जाती है। सुनिया सेख पीर पातशाह, नाम दे सुनने करके शेखां पीरां ते बादशाह सारे पासों पता लगता है कि वह भी यही कहते हैं कि भी नाम ही वड्डा है। शेख पीर पातशाह भी नाम नूं वड्डा कहते ने। जेड़े कोई शेख पीर पातशाह बने वह नाम जपते ही बने ने। इस करके शेख तो भाव शेष नाग भी आउंदा है, जो पूजनीक है। सो पीर उहदा पूजनीक कौन? पीर विष्णु, वह भी नाम की महिमा नूं कथन करदा। इस करके महाराज कहंदे ने कि देखो नाम नूं श्रवण करके ही इन्नी कृपा हो जांदी है। सुनिया अंधे पावै राह, परमात्मा दा नाम सुनने करके अखां तों अन्ने पुरश प्रतख रस्ता पा लैंदे ने, ते होरां नूं भी रस्ते पाउंदे ने, विद्या दा दान दिंदे ने। अग्ञानी पुरश ज्ञान भगती रूप रस्ते पा लैंदे ने, प्रतख भी नाम करके अखां आ जांदियां बंदे दियां, हो जांदा ऐसा। क्योंकि नाम जपण नाल तुसी जिहड़ी चीज दुनिया च इह कहो इह नहीं हो सकदी, साइंसदान कहण, डाक्टर कहण, इह हो ही नहीं सकदी। तुसी इक वार कह दो इह नहीं हो सकदी, ते फिर पाठ करके देखो उह चीज हो जांदी, फिर डाक्टर भी हैरान हो जांदे, फिर साइंसदान भी हैरान हो जांदे, उह फिर इह ही लभण लग जांदे हो किवें गया, इह हो किवें गया, इह तां होणा नहीं सी चाहीदा, इह बंदे नूं तां मर जाणा सी, 6 महीने च कैंसर लास्ट स्टेज सी, बच किदां गया है? नाम ने बचाया। कि आपां मनुख निकी निकी एवें ही किणके किणके वर्गी बुद्धि चक्की फिरदे आ, मनुख अपनी बुद्धि ते इन्ना हंकार करी जांदा जदों कि तुच्छ जिहा जीव है विचारा है। परमात्मा सब कुछ कर सकदे, उहदा नाम सब कुछ कर सकदा। नाम दे उत्ते यकीन रखण वाले नूं पता है कि अन्ने बंदे नूं रस्ता मिल जांदा। सुणिया कि नाए सुणिया सुच संजमो जम नेड़ ना आवै, नाए सुनिया कट चानना आ नेर गवावै, नाए सुनिया आप बुझी लाहा नाओ पावै, नाए सुनिया पाप कट्टी है निर्मल सच पावै,
नानक नाए सुनिया मुख उजले ना गुरमुख ध्यावै। महाराज कहने हुण एक बंदा मैनू मिलिया सी, सो मैं कथा करन वास्ते गया जोड़ मेले ते। जाड़ला पिंड पैंदा, बहुत सारे प्रेमी जानदे होणे आ, उत्थे मास्टर जी हर साल समागम कराउंदे ने। ते उत्थे गया ते उत्थे एक बंदा एक बंदे नूं फड़ी आवे, कहिंदा जी इह बंदा सीढ़ी सुनियां सारियां कथा सुनियां, इहने बहुत अभ्यास कीता, कहिंदा इह सूरमा, इहनूं दिखदा नहीं, अखां है नहीं इहदियां, पर कहिंदा फिर भी देखदा। अवस्था ही महाराज ने ऐसी बनाती कि बाहरलियां अखां नहीं सी उहदियां, पर अंदरलियां अखां खुल गईयां। जदों अंदरलियां अखां खुल गईयां तां बाहरलियां अखां दी भी लोड़ नहीं पैंदी। वो कहना जी मैनूं तुसीं भी खड़े देखदे, मैनूं सारा कुछ देखदा, पर अखां नहीं है मेरियां। मैं कहा तां की होगा, जे बाहरलियां अखां नहीं अंदरलियां तां खुल गईयां तेरियां। इस करके वह इन्ना खुश सी बंदा कि इहदे नाम जपण नाल मेरी अंदरलियां अखां खुल गईयां। वह कहना मैंने तो नेरे च भी देखता, दिने भी देखता, रात भी देखता, मैनू वह चीजा भी देखदियां नहीं जिहड़ी बंदियां नूं दिखदियां, क्योंकि अंदरलियां अखां खोलतीयां महाराज ने। तां सतगुरु कहिंदे अंधे नाखियां जिन मुख लोयण ना है, अंधे सही नानका खसमो कुत्थे जाए। जे रब नूं मानदे उहने नहीं गिणे जांदे, वह तां कहिंदे सच्चे सुचे ने। सुणिआ हाथ होवै असगाह, हुण नाम सुनने करके जिहड़ा असगाह डूंघा समुंदर आ उह हथ भर रहि जांदा। हुण हनुमान जी पार करके समुंदर काहदे करके, परमेश्वर दे नाम करके ही करके गए सी, उह पार उड के चले गए। नाम विच इन्नी ताकत है, जिथे जी करे कोई पहुंच सके ताकत। गुरु नानक साहब मक्के बैठे ने, कहिंदे मरदाना बेबे नाल मेरा बचन होया, बेबे नानक ने जब बेबे तू याद करेगी मैं किते भी होवां आवांगा। बेबे फुलका पकाई जांदी ते कहिंदी वीर जे खा गए फुलका बड़ा सोहना फुलिया। कहने महाराज 5000 कोह ते बैठे हां, आपां उत्थे किवें जा सकदे हां? कहने मरदाना आपां थोड़ी जाणा, करतार ने लै जाणा आपां नूं। कहिंदे कर अखां बंद, बंद कीतियां, सतनाम वाहिगुरु कहा ते खड़े किथे बेबे दे घर दे अगे। महाराज पहुंच भी गए आपां, कहिंदे नाम लै आया मरदानिया आपां नहीं सी आ सकदे। जद कुंडा खड़का के सत करतार कहा, बेबे बहुत खुश होई, दरवाजा खोलिया। वीर कित्थों आया? भाई मरदाना कहने ये ना पुछ कित्थों आए। कहने फेर भी, कहने मक्के सी, मेरा वीर ते समर्थ है, बेबे नानकी नूं पता मेरा वीर परमेश्वर है। इस करके सतगुरु महाराज कहने नाम की जिहड़ी है ना ताकत। महाराजा रणजीत सिंह वेले भी इस तरह होया, अरदास करके अटक दरिया पार करता। भाई गुरदास जी जद आए ने, उस वक्त भाई गुरदास जी गोविंदवाल साहब दे कोल जदों दरिया चढ़िया होया सी, उदों सिखे पंगती पढ़ रहा सी। सुनिया हाथ होवे असगाह, कहिंदे जब समुंदर हथ जिन्ना रह जांदा फिर दरिया तां किहड़ी चीज है। भाई साहब शब्द आप भी पढ़न लग गए, गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, भाहे न साकै जल ले रहाओ। ओ ये शब्द सारा पढ़दे ने ते अरदास कीती है, महाराज सानू दरिया रस्ता दे देवे। जब दरिया च वड़े तो दरिया का पानी गोडे गोडे ही रह गया, सारे जाने लंघ गए। 800 पंडित जिहड़ा सिख बनिया सी उह सारिया समेत ही लंघ गए। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने जदों भी कोई संकट आउंदा गुरसिख ते, जे गुरसिख दे पल्ले नाम धन है तां फिर कोई चीज भी उहनूं रुकावट नहीं खड़दी। पंज तत् तां नाम ने बनाए ने, नाम रस्ता दे दिंदा है, पंज सारे तत् रस्ता दे दिंदे ने। इस करके कई गल्लां अत कथनी च आ जांदियां लोकां दी समझ तों परे, नाम जपण वाले तों कोई खास गल नहीं। तप्त कड़ाहा बुझ गया गुरशीतल नाम दियो, भाई मरदाने नूं कौडा राक्षस पाउण लग्या उबलदे कड़ाहे च। गुरु नानक साहब ने सिर्फ कड़ाहा देखिया ही है, ठंडा ठार कर दिता। सतगुर की दृष्टि च अमृत, जब ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी कहा तो फिर सतगुर की दृष्टि की है? यह तो अमृत भंडारे भरे पे ने सतगुरां दी, तो निगाह पै गई रीठे मिठे हो गए। रीठा कला मिठा होया कि निम मिठी कढ़ाणी साहब हुई भी है, होर बड़े थाई है। मैं निम के पत्ते आप खा के आया, फिर जाके कोई कौड़ा नहीं, रीठे मिठे कर दिते गुरां ने। एक पासे दे रीठे कौड़े है, एक पासे मिठे। ए गुरु साहब दे अमृत दृष्टि विच शक्ति है, सधारण मनुख दीआं गल्लां नहीं हन। तां सतगुरु महाराज कहिंदे ने सारा कुछ ही ठीक हो जांदा, नाम दा इत्थे
सिद्धा नूं सतगुरु जी महात्म दसदे होए कहिंदे ने कि जिवें एक दुध वेचण वाली सी, मीह पैण लग गया, मंदिर दे बाहर खड़ी होगी, अंदर कथा चल रही कि नाम दे आसरे ऐ हो गया, नाम ओ नाम नूं जपदी जपदी दरिया दे विच दी लंघी, नाम मस्त होई गई, दरिया ही थले उतर गया। दो वारी आई गई तां देखे कि जदों राम राम कहिंदियां दरिया थले उतर जांदा। पंडित ते बड़ी श्रद्धा होई, कहिंदे मैं तुहानूं प्रशादा छकाउणा, घर जाके तुसीं बड़ी वधिया सिख्या दित्ती। ओह कहिंदा बरसात होई है बीबी, दरिया चढ़िया होया। वह कहें ता क्यों हो गया, राम राम कहांगे बिजली लंघ जाएंगे। वह कहने चलो राम राम कहा, वह तो ठीक ठाक रही तो वह पिछे नूं भज्जिया। कहने की हो गया, कहना एवें डोब देंगी मैनू, मैं नहीं खाता रोटी तेरे घर जाके। वह कहने पंडित जी इन्ने विश्वास है, मैं तुहाडी कथा सुन के राम राम जप के दरिया लंघ गई हाँ। वह कहने सानू ऐं हुंदा, कथा वाले नूं इन्ना विश्वास हुंदा, कहने संगत दे विश्वास वधदा। इस करके हुंदा कि जिहड़ा कमाउण लग जांदा संगत कमाउण लग जांदी। वह कहण वाला बेचारा कहण ते ही रहिंदा। पंजाब दे देखिया बस अड्डियां ते रौला पाई जांदे, जलंधर पठानकोट जलंधर पठानकोट, वह सवारियां नूं ही चढ़ाउण ते हुंदे, आप उस अड्डे ते सारी जिंदगी लंघांदे आ। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे नाम दे विच इन्नी ताकत है कि सुनिया हाथ होवे असगाह। नाम दे सुनने करके प्रतख समुंदर तां की संसार रूप समुंदर भी हथ भर हो जाता है, संसार इउं तर जांदे ने। बाणी की पंक्ति राम कली राज पंजवें पातशाह दी, सागर तरियो बाछर खोज, कहने जी वच्छे दी पैड छपी होवे किते उहदे विच माड़ा जिहा पाणी खड़ा होवे तो उहदे उत्तों आपां लंघना कि औखा। ब्रह्म ज्ञानी रब दे प्यारे नाम जपण वाले संसार सागर नूं माड़ी जी ठूठी जी समझ के लंघ जांदे ने। खेद ना पायो नह फुन रोज, नाम सुनने करके असगाह रूप हरी हाथ होवे रब भी हथ च आ जांदा, कहिंदा नाम नाल हिरदे रूप हथ च अंदर वासा हो जांदा। नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। महाराज कहिंदे भगतां नूं तां हमेशा ही खेड़ा बनिया रहिंदा, आनंद बनिया रहिंदा। ताइयों भाई मती दास दे उत्ते आरा चलिया, जपजी साहब का पाठ करते फिर ही जाओ आरा, मैनू की फर्क पैंदा। कहिंदे शरीर दो फाड़ हो गया फिर भी पाठ होई जांदा। पंच प्रवान की पौड़ी तक दो फाड़ होया, बाकी दोनों टुकड़िया ची आवाज आई जाती है। यह कोई अपने लिए औखी नहीं, जिन्हें नाम जपना उन्हें, जिन्हें नाम नहीं जपना उन्होंने ये सारिया चीजा औखिया होंगे। इस करके महाराज कहें सुनया दुख पाप का नाश, नाम दे सुनना दुखा ते पापा का नाश ही हो जाता। ना ये सुनया मन रहसी है नामे शांत आई, ना ये सुनया मन तृप्ति है सब दुख गवाई। इस करके सतगुरु ने दुखां दा कारण जो पाप कम ने नाश हो गए तो दुख आपे नाश हो गए, क्योंकि असूल ही है ना, दुख हमेशा पाप कर्मां दा ही फल हुंदा, सुख पुन कर्मां दा फल हुंदा। हुण कोई बंदा सुख दुख देण वाला नहीं, आदमी दे आपो अपने पाप पुन कर्म ही दुख सुख दिंदे ने। महाराज कहिंदे इस करके दुखां दे नाश करन वाले धनंतर वैद पासों अते पापां दे नाश करन वाले व्यास भगवान जी पासों नाम की महत्ता सुनी जा सकती है। दद्दा दोष न देऊ किसै दोष करमा अपणिआ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। जपजी साहब सारा ही पढ़ना चंगा, जदों जदों अर्थ सुणांगे ते आराम नाल अभ्यास करन लग्गिआं। काहल विच कई बंदे सुण के कथा 25 पाठ 50 पाठ ही सीधे ही शुरू कर दिंदे ने, उह नहीं करने। एक पाठ जपजी साहब का जिकन्ना दे नाल सुन सुन के करना, भावें एक घंटे च होवे, ऐन एक एक पाठ का अखर सुनना। जदों सुनदे सुनदे आपां पाठ च लीन हो गए तो फिर आपे ही दूजा पाठ हो जाना, फिर तीजा हो जाना, फिर चौथा हो जाना, फिर पंजवा। बंदे ने कहना बस हुण ना बुलायो मैनू, क्योंकि वह आनंद विच लीन हो गया। सो इस तरह महाराज ने 11वीं पौड़ी दे विच बख्शिशां कीतियां कुल, ये महाराज ने 63 अखर इस पौड़ी दे बख्शिश कीते। इन्नी इन्नी अखर नाल नाल ही गिणदे आपां, किसे दे 62 ने, किसे 63 ने, इन्हां चार पौड़ियां विच सतगुरु महाराज बख्शिश करदे ने। जो अज ये चार पौड़ियां विच आपां नूं सुणन दी होई महानता दसी, क्योंकि गुरसिख नूं सारे गुरसिख बन गए, अमृत भी छके होर भी कीते, पर आ चीज नूं फड़िया नहीं, ग्रहण नहीं कीता कि सिर्फ सुनना ही वड्डा है, सुनन तो बाद फिर मनना वड्डा है, मन के कमाउणा वड्डा है।
कमा के फिर प्राप्ति तक पहुंचीदा। इस करके सतगुरु कहने सुनो, कन्ना दे नाल सुनो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सदा विगास सुनया दुख पाप का नास, नानक भगता सदा सुनया दुख पाप का, नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास, नानक वाहेगुरु 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 नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास, नानक भगता सुनया नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास, नानक भगता